समादरणीय प्रोफेसर रामेश्वर सिंह जी, प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी, प्रोफेसर संजय मुंजाल जी, प्रोफेसर अंबिकादत्त शर्मा जी, डॉक्टर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी और इस सभागार में उपस्थित श्रोतावृंद, विशिष्ट अतिथि, शोधार्थी, धरोहरोत्सव के रूप में आयोजित यह संगोष्ठी संस्कृत दर्शन के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है। संस्कृति को हम किस प्रकार से देखते हैं या संस्कृति की क्या अवधारणा है, इसके बारे में जब प्रश्न किया जाता है या जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो बहुत स्पष्ट चित्र हमारे सामने उभर कर नहीं आता। उसका कारण यह है कि संस्कृति कोई एक चीज नहीं, बल्कि संस्कृति बहुत सारे आचरणों, बहुत सारी परंपराओं और बहुत सारे विचारधाराओं, बहुत सारे दर्शनों, इन सब का एक समावेश हुआ करती है। जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो वह कोई एक संस्कृति उस रूप में उभर करके नहीं आती जो अन्य सारी संस्कृतियों को विभिन्न करती हुई, उनका विच्छेदन करती हुई आगे बढ़ रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हुए, उनके सार को ग्रहण करते हुए, उनके मूल को संरक्षित करते हुए, प्रतिपल परिष्कार करते हुए और धीरे धीरे उसमें से जो मूल्यवान है उसको संरक्षित करते हुए विकसित होती है। और इसके पीछे जो कारण है, वह कारण यह है, हमारी जो वाद की परंपरा रही है, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, विचार की परंपरा रही है, वह अगर हम पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की कोशिश करें कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या हो सकता है, जिस मूल तत्व के को केंद्र में रखते हुए भारतीय संस्कृति विकसित होती है, तो दो बातें हमारे दृष्टिकोण में सामने आती हैं। पश्चिम में धर्मों के जो विकास हुए हैं, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, कुछ इस प्रकार से जो राजा का धर्म है वही प्रजा का भी धर्म है, राजा जिस धर्म का अनुयायी है प्रजा भी उसी धर्म की अनुयायी है, और इस क्रम में आप ईसा के आविर्भाव के बाद और उसके पहले भी इसको अनेक संघर्षों को देख सकते हैं, और उन संघर्षों में जो विजित होते, जो जीतता है उसका ही धर्म बाकी जगहों पर प्रचलित हो जाता है, विकसित हो जाता है। और इसके कारण पूरे यूरोप में आप देख सकते हैं कि एक पागान संस्कृति थी, उस पागान संस्कृति का पूरा विनाश हो गया और उसके परिप्रेक्ष्य में दूसरी संस्कृति विकसित हुई जो कि उस संस्कृति को दूर हटा करके विकसित होती है। इसी तरीके से अन्य धर्मों के भी इतिहास के बारे में जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो इसको समझ सकते हैं। इसके विपरीत भारत की जो परंपरा है, उस परंपरा में ऐसा पुराणों में कई जगह पर आता है कि शास्त्रार्थ हुआ करते थे, विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता था और जो जीतता था उसका अनुयायी राजा भी हो जाता या उसके अनुयायी प्रजा भी हो जाती। तो यह एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होता है और वह दृष्टिकोण आज नहीं बल्कि आज से समझिए कि 2500 वर्ष पहले विकसित हो जाता है, क्योंकि यह जो
संस्कृति रही है भारत की, यह अनेक विविधताओं से भरी हुई संस्कृति, और हम सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उस पृष्ठभूमि से हमारे विचार विकसित होते हैं, हमारा आचरण विकसित होता है, हमारे मूल्य विकसित होते हैं, और उन मूल्यों का एक तरह से संघर्ष हुआ करता है जिसके आधार पर संस्कृतियों में परिवर्तन परिष्करण होता है। और यह कैसे हो सकता है, इसके लिए जो शास्त्र संघर्ष है उसको मैं समझता हूं वह एक किस्म का भौतिक संघर्ष है, और जो वैचारिक संघर्ष होता है वह भौतिक संघर्ष से ऊपर उठ करके विचारों के स्तर पर वाद विवाद के रूप में, शास्त्र चर्चा के रूप में विकसित होता है। पटना जो कि बुद्ध की भूमि है, और जो केवल बुद्ध की भूमि नहीं है बल्कि यही भूमि वाचस्पति मिश्र की भी है, यही भूमि सुरेश्वराचार्य की भी है, तो यह जो समृद्ध भूमि है उस समृद्ध भूमि में इस प्रकार के वाद विवाद शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत लंबे समय से, यहाँ पर ही अगर देखा जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद में जिस गार्गी और याज्ञवल्क के संवाद की बात की जाती, शास्त्रार्थ की बात की जाती, वह भी जनक के यहाँ शास्त्रार्थ हुआ, वह भी कोई बहुत दूर नहीं है यहाँ से। तो यह जो हमारी वाद विवाद की संस्कृति है, जो तर्क की संस्कृति है, वह तर्क की संस्कृति, विचार की संस्कृति किस प्रकार से चीजों को समाहित करती हुई चलती है और बहुत सारे चीजों को दूर करती हुई चलती है। भौतिक संघर्ष और वैचारिक संघर्ष में एक बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है। भौतिक संघर्ष में जो विजयी होता है उसमें उस तरह का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वैचारिक संघर्ष में जो विजयी होता है वह भी पूर्ण विजयी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर आगे भी विचार के लिए गुंजाइश बची रहती है। इसलिए जब विजय प्राप्त करता है तो नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में, नई आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में वह विजय प्राप्त करता है, और जब नई चुनौतियों नई आलोचनाओं के परिप्रेक्ष्य में विजय प्राप्त करता है तो उसके सिद्धांत अपने आप ही बदल जाते हैं। तो जिस संस्कृति की बात आज हम कर रहे हैं वह वही वैदिक संस्कृति नहीं है जो आज से 4000 साल पहले थी, या वह गुप्तकालीन संस्कृति भी नहीं है जो कि आज से 1500-2000 वर्ष पहले थी, या वह बुद्ध की पूरी वही संस्कृति नहीं है जो आज से 2500 वर्ष पहले थी, क्योंकि वह संस्कृति, अगर हम बुद्ध के शब्दों की तरफ जाएं, बुद्ध के उपदेशों की तरफ जाएं, जिसमें जो सत्ता है उस सत्ता को प्रवाह के रूप में माना जाता है, तो संस्कृति भी उसी प्रवाह की तरह हुआ करती है। तो उसमें अलग अलग गंगा का जो प्रवाह गंगोत्री से प्रारंभ होता है वह वही प्रवाह जाकर के जब कलकत्ता के पास गंगा समुद्र में मिलती है तो वही प्रवाह पूरा का पूरा नहीं रहता, क्योंकि बीच में बहुत सारी अनेक नदियां उसमें जुड़ जाती हैं, अलकनंदा भी, भागीरथी भी, यमुना भी, कहीं सरयू भी, तो ये सब जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो संस्कृति का जो परिप्रेक्ष्य है वह संस्कृति का परिप्रेक्ष्य उसी प्रकार से है, और इसीलिए भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पूजा पद्धतियां, देवता, आप देखिए कि जिन देवताओं की पूजा, जो व्रत, जो पर्व बिहार में आयोजित किए जाते हैं, क्या वही सारे व्रत और पर्व, क्या वही देवता केरल में भी होते हैं, या जो केरल में देवता हैं वही सारे देवता उत्तर प्रदेश और बिहार में भी होते हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी किसी भी भारतीय, उस भारतीय की जो का जो बिंब है, उस भारतीय का जो एक चित्र बनता है, वह चित्र, वह बिंब, वह विचार
पूरे भारत को समेटे हुए बनता है। जब चारों धाम की बात की जाती है, क्योंकि जब हम धरोहरों की बात करते हैं तो उसमें अगर हम हमारे जो चारों धाम हैं उनके बारे में बात ना करें, हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में हम बात ना करें, या हमारे जो शक्तिपीठ हैं उनके बारे में हम बात ना करें, तो बात पूरी नहीं होगी। यह चारों धाम की जो अवधारणा है, और हर भारतीय सनातन धर्मी सनातनी का यह एक सपना जैसा होता है कि वह अपने जीवन में एक बार चारों धाम की यात्रा करेगा, और वह चारों धाम की यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में पूरी होती है। आप ये देखें यह भारत के मानचित्र में कहां कहां अवस्थित है, ये चार कोने हैं जहां चार कोनों पर ये अवस्थित है। ठीक उसी प्रकार से जो ये 12 ज्योतिर्लिंग सनातन के बारे में ही बात नहीं है, जो बौद्ध और जैन परंपराएं हैं उन बौद्ध और जैन परंपराओं के भी अगर आप पूजा स्थलों के बारे में उनके बारे में भी देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार की वहाँ पर भी दृष्टि आती है। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, जो भारतीय दृष्टि है, वह भारतीय दृष्टि एकांगी नहीं है, किसी एक पक्ष को ध्यान में रख करके नहीं विकसित होती, बल्कि वह अनेक पक्षों को सबको समाहित करते हुए विकसित होती है। और इसीलिए जब भारतीय है, जब हमको ये पूछा जाए कि भारतीय होने का मतलब क्या है, भारतीय होने की का महत्व क्या है, हमारे सामने अनेक विशिष्टता है, क्योंकि वह भारतीयता अपने आप में इतनी सारी चीजों को समेटे हुए है। उस भारतीयता के अंतर्गत इतने परस्पर विरोधी विचार हैं, उन परस्पर विरोधी विचारों के लिए भी अवसर है, उनके लिए भी जगह है। ये कितने आश्चर्य की बात नहीं प्रतीत होती कि जो बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व का निराकरण करते हैं, वही बुद्ध हिंदू परंपरा में विष्णु के अवतार के रूप में मान लिए जाते हैं। क्योंकि बौद्ध दर्शन के साथ न्याय दर्शन का एक बहुत लंबा संघर्ष चला, प्रायशः 1000 वर्षों तक का संघर्ष चला, और वैचारिक संघर्ष, तो वह वैचारिक संघर्ष होते हुए भी बुद्ध के विचारों के साथ उनका न्याय के विचारों का शास्त्रार्थ चलते हुए भी बुद्ध की जो स्वीकृति है, वह स्वीकृति इसी रूप में है कि हम सबको समाहित करते हुए अपने आप में लेकर के। तो जब हम धरोहरोत्सव मना रहे हों, संस्कृति दर्शन के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर बात कर रहे हों, तो हमको इन सारे चीज़ों के प्रति विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने क्या क्या बचा करके सजो करके रखा हुआ है, और किन परिस्थितियों में उनको सजो करके रखा हुआ है, ऐसा क्या रहा। क्योंकि संस्कृत के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संस्कृति कभी भी उन चीज़ों को सजो करके नहीं रखती जो मूल्यवान नहीं होते, उन्हीं चीजों को सजो करके रखती है जो मूल्यवान होते हैं, जिनका हमारे जीवन के लिए कोई महत्व हुआ करता है, मूल्य हुआ करता है, जो हमको एक सहारा दे सकते हैं, या हमको जीवनी शक्ति दे सकते हैं, हमको प्रेरणा दे सकते हैं, उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं व्यवहारों को हम सजो करके रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि लंबे कालखंड में हमको शायद पता न चले बहुत सारे आचरणों के बारे में कि इनका क्या मूल्य है, किस प्रकार से विकसित हुए होंगे, किस प्रकार से आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनको गंभीरता से विचार करेंगे, गंभीरता से उनके बारे में देखेंगे, तो वह जो संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो धरोहर हैं, उनमें बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो कि निश्चित रूप से किसी कालक्रम में, किसी समय में उस तरह से मूल्यवान होगा। और संस्कृति इसी रूप से आगे भी विकसित होती रहती है, क्योंकि वह काल के क्रम में जो चीज़ अनेक बार किसी कालखंड में महत्वपूर्ण होती है, आवश्यक होती है,
किसी दूसरे कालखंड में शायद वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती या उतनी आवश्यक नहीं रह जाती है, तो वह धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाता है, उसका परित्याग कर दिया जाता है। और इसको हम अभी जो जिन लोगों ने पिछले 50 वर्षों को देखा हुआ है वे भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि पिछले 50 वर्षों में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से बदलती चली जा रही हैं, और बदलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम भी अभी सजो करके रखे हुए हैं। तो यह एक नित्य परिष्कार, नित्य विचार और नित्य चर्चा का विषय है, नित्य आत्मावलोकन का विषय है, और जिसकी तरफ हमको लगता है इस तरह की संगोष्ठियों के माध्यम से विद्वानों का और शोधार्थियों का ध्यान अवश्य जाएगा। धन्यवाद।